टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा प्रभाग समिति के सामने आज कांग्रेस पार्टी ने मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन किया है। कांग्रेस के नेता विक्रांत चौहान ने बताया कि मुंब्रा में पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही इलीगल पार्किंग, इमारतें और ऐसे मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान विक्रांत चौहान से मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी और सागर सालोंके ने मुलाकात की और इस दौरान विक्रांत चौहान ने मनपा अधिकारियों को मेमोरेंडम भी दिया। चौहान सर, आज गंदे पानी और अनधिकृत बांध काम को लेकर आपकी पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मांगनी है? क्या देखो, बहुत दिन से कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस रास्ते पर नहीं उतर रही है, सिर्फ साइकिल रैली लेती है, भाजपा के खिलाफ बोलती है, ईंधन दरवाड़ के पेट्रोल डीजल के खिलाफ बोलती है, मुंब्रा के बारे में कुछ बोलती नहीं। तो मैंने कहा पहले आप लोग बैठ जाओ अनशन पर, मैं आ जाऊँगा। इसलिए बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि पानी बराबर नहीं आ रहा है, पानी टाइम पर नहीं आ रहा है। वो किधर हमारा इरफान किधर है? इरफान के इधर भी पानी नहीं आ रहा है। कुछ शाह आलम बोले कि विक्रांत चौहान के पास जाते हो, ऑडियो भेजा मुझे, तो मैं बोला ठीक है रास्ते पर बैठ जाएंगे। ठीक से पानी नहीं आ रहा है, पानी ये नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बांधकाम चल रही है, ये जो लीगल बांधकाम चल रहा है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बराबर है। यहाँ पे जो ये है समस्या है, शौचालयों की समस्या है, गार्डन की समस्या है, कब्रस्तान की समस्या है, स्मशान भूमि की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, स्कूल्स की समस्या है, पार्किंग का धोरण है, यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान होने चाहिए, गार्डन। मुंब्रा में क्या है, मुंब्रा में करोड़ों रुपए अगर आ रहे हैं हर साल, गेले पिछले 20 साल में अगर पैसा आ रहा है तो मुंब्रा कितना बड़ा है, इतना सा तो है। जैसे बम्बई में अगर 50,000 करोड़ के बजट में आज भी मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि इलीगल बांधकाम तोड़ो, अगर दोनों बाजू से समुंदर है, आज कोस्टल रोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि आपका जो पैसा आता है, आज मेरे वार्ड में आके देखिए, मेरे वार्ड में जो पैसा आता है वो रास्ते पर मैं विश्रांति गृह नहीं बनाता हूँ, रास्ते पर बस स्टॉप नहीं बनाता हूँ, मैं लोगों के घर में जाकर वहाँ पे शौचालय टूटे हैं, वहाँ पे गार्डन की ये है, वो सब बातें करता हूँ मैं, स्कूल के किधर रिपेयरिंग है। अपना जो निधि आता है वो ठीक से यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बताइए मुझे, मुंब्रा में ना ठीक से बस स्टॉप बना के रखे, 50 बस चलती है क्या? नहीं, यहाँ पे एक भी बस नहीं है, बस तो मुझे कभी दिखाई नहीं दी, सिर्फ बस स्टॉप बना के रखे होर्डिंग्स लगाने के लिए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे डेपो नहीं है, बस डेपो नहीं है, यहाँ पे गार्डन्स नहीं है, पार्किंग बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, सब बच्चे लोग रास्ते पर खेलते रहते, यहाँ पे है क्या बताइए मुझे? जो बना है वो कांग्रेस के राज में बना है, पुलिस स्टेशन बना है कांग्रेस के राज में बना है, राजीव गांधी हॉस्पिटल बना है कांग्रेस के राज में बना है, फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है कांग्रेस के राज में बना है। यहाँ ये पिछले 20-25 साल में एक्चुअल विकास क्या हुआ है आप बताइए मुझे? यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ काश पटार है, काश पटार पर कम से कम उधर सातारा में फूल तो दिखते हैं, यहाँ पे तो फूल भी नहीं दिख रहे, सब कांटे दिख रहे। तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अभी आपको भी कब्रस्तान में जाना है, मुझे भी शमशान भूमि में जाना है, उसके हाल देखो, गोसावी साहब इतने सालों से इधर बैठे हैं, बराबर है, इतने सालों से बैठे हैं, इन्होंने देखना चाहिए ना, गोसावी साहब थोड़े मोटे हो गए, हाँ ये, लेकिन वो सुधरना चाहिए ना गोसावी साहब। सागर तो बेचारा नया है, अभी सागर इधर है 2 साल के लिए, वापस ट्रांसफर होके जाएगा, लेकिन कैसा जिस तरह से आपने कहा सर कि तमाम मुद्दे हैं मुंब्रा में लेकिन ये पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आपकी पार्टी जिस तरह से आज आंदोलन की है, इसके पहले भी लगभग की है आंदोलन, तो आगे आप लोगों का और इस पर क्या स्टैंड रहेगा? क्या इससे भी बड़ा भी आंदोलन अगले हफ्ते में तोरण के खिलाफ जाके बैठने वाले? कधी येणार आहे रस्ते वरती? कधी येणार आहे तोरण? आता पुढच्या आठवड्यात तोरण कन्फर्म आहे ना? आता कन्फर्म कसं? याचा अगोदर पण हे, अरे रोहित आता कन्फर्म 2 मिनिटाने तू जा जगशील का मी जगीन, कन्फर्म नाही आहे, ऐकलं का इथं? आपला जीव कन्फर्म नाही आहे, आपला जीव कन्फर्म आहे का सांग मला? आता तू कन्फर्म विचारायला लागला, आता कसं आहे बघ, हे ऐकून घे, ही सतरंजी आणायला पैसे लागतात, बरोबर आहे, बॅनर लागतो, आपने जो आरोप लगाया अभी की मुंब्रा के लिए जो निधी आ रही है उसका सही उपयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, होना चाहिए ना उपयोग, इनको मालूम, मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको क्वेश्चन मार्क दिया, अच्छे मैदान, अच्छे गार्डन्स, अच्छी शमशान भूमिया, लेडीज के लिए टॉयलेट्स, बसेस, यहाँ पे हो रहा है क्या पानी, यहाँ पे आ रहा है क्या? अगर पानी नहीं आ रहा है तो क्या पानी की बोम हो रही है? सब जगह मुझे वो तबस्सुम फोन करती है, गुलचन फोन करती है, भोला फोन करता है, संजय शिंदे फोन करता है, टोरेंट वहाँ पे खोदता है, कुछ ना कुछ करता है, बराबर है ना? हाँ, फाइन लगाते हैं, अभी अभी देखो ऊपर जो घूम रहा है, क्या बोल रहे हो, ईगल भी घूम रहे हो, पानी के खोज में घूम रहा है, देखो पानी नहीं है, ऊपर भी पानी नहीं है, वो आसमान से खोज रहा है। देखिए अभी मनपा के अधिकारी आपसे मुलाकात की है, क्या इन लोगों ने आपको क्या? अभी मनपा के अधिकारी एक ये एक इशू रहता है, जैसे अभी हम अनशन पर बैठ गए, आप लोग आ गए,
वैसे मनपा की अधिकारी भी आ गए, आप छापोगे एक दिन चलेगा टीवी वीडियो और बंद हो जाएगा। बार बार हम लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो आप बार बार आएंगे तो थोड़ा दबाव बढ़ेगा। मनपा के अधिकारी उसी माध्यम से आए, एक बार हम लोग आए देखते हैं 15 दिन क्या करते हैं, नहीं तो वापस इनके घर के बाहर जाके बैठेंगे, सागर के घर के बाहर जाके बैठेंगे, सब नगर से लोगों के घर पे बाहर जाके बैठेंगे। तो कम से कम उनके ऊपर दबाव जब बढ़ेगा तो वो जाएंगे ना, क्योंकि हम तो कल्पिता पिंपले है ही नहीं, हम तो कोई कोयता मारा तो हम हमारी उंगलियां काट के लेंगे नहीं, काटने वाले की भी काटने की ताकत हम रखते हैं, बराबर है। हाँ तो ये ना कैसा है, हम डरने वाले नहीं है। यहाँ से जब गौरिया पिंटिया थे, गौरिया दादा और पिंटिया दादा थे, तभी से बचपन से हम यहाँ आ रहे, तो हम कोई दादागिरी विदागिरी के लिए डरने वाले नहीं है। पत्रकार लोग बेचारे डर गए, हम डरने वालों में से नहीं है। नहीं, पत्रकार को नहीं डर नहीं ना, तो होना चाहिए, फिर चालू रखो आप। लेकिन क्या है, पर्सनल मत रखो, इशू बेस्ड हो, इशू बेस्ड होना चाहिए। अगर हमारा बांधकाम टूटता है, इलीगल है तो है, वादा नहीं, लेकिन सबके टूटने चाहिए, बराबर है कि नहीं। ये इशू होना चाहिए। बस स्टॉप अगर है तो बस स्टॉप पर बस नहीं घूम रही है, ये दिन भर आप लोगों ने दिखाना चाहिए, ठीक है। अभी आपने बोले आपका टोरेंट के खिलाफ धरना है, अभी आपने कहा आप जहाँ जाते हो आपको फोन आ जाता है, तो ऐसा नहीं एक हफ्ते पहले आपको फोन आ जाए टोरेंट के लिए? देखो, फोन आया ये मैंने कबूल किया, फोन आता है, लेकिन उसमें से पैसे नहीं खाता ना मैं। देखिए, पैसे खाने वाले लोग दंचन हंचन पर बैठते नहीं। अभी कोई पुलिस वालों को पूछो, उनको कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है क्या कि विक्रांत चौहान ने पैसे मांगे इधर? यहाँ पे आए ना पुलिस वाले, बराबर है कि नहीं, हमने कभी वो? हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है लोगों के, देखिए कौन करप्ट नहीं है इस दुनिया में, सब करप्ट है, सबको लगता है। चैनल वालों को भी टीवी चलाने के लिए या चलाने के लिए पैसा लगता है, पैसा भले वो विज्ञापन से लेते हैं, वो पैसा हराम का है क्या अच्छा है मेहनत से है वो? क्या पत्रकार लोग देखते नहीं, अपने को विज्ञापन मिला बस हो गया, आप समझे ना? ईमानदार, मेरा कहना क्या है, जो आम जनता है उनको तकलीफ होके नहीं खाना चाहिए, बराबर है। हमारे में एक कहावत है, मुर्द्यावरच्या टाळूवरचं लोणी खाऊ नका। यहाँ लोगों को थोड़ी साहस दो, लोगों को थोड़ा राहत दो, लोगों के काम करो, लोगों की जो समस्या है मुमरा की बहुत सारी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, मंत्री महोदय आने के बाद यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए, वो उतना नहीं जम रहा है। उनका अकेले का भी वो काम नहीं है, सारे नगर सेवकों ने मिलके, सारी जनता ने मिलके, आपने हमने और अधिकारी लोग ने मिलके हाथ बटाया, साथ ही हाथ बटाना क्या बोलते हैं, मुमरा आगे बढ़ेगा, बराबर है ना? साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना ये होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। चौहान सर, राजनीतिक पार्टियाँ जब भी टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करती हैं तो शहर की आम जनता है उनका यही कहना होता है कि ये सिर्फ नौटंकी हो रही है। सही बात है ना, सही बात है ना, अगर शहर की जनता ये बोलती है तो शहर की जनता का वैसे लगता है तो सही बात है। अगर कोई आंदोलन करता है और उसमें से कुछ हल नहीं निकल रहा है, बराबर है, वो आंदोलन देखिए, आंदोलन महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था, फिरोज शाह मेहता ने आंदोलन किया था, दादाभाई नौरोजी ने आंदोलन किया था, लोकमान्य तिलक ने आंदोलन किया था, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक आंदोलन रुका नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उन्होंने आखिर तक, रानी लक्ष्मीबाई हो, उन्होंने आखिर तक, यहाँ में हमारे सब रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ पे सब राणा प्रताप है, यहाँ पे आप समझे ना, यहाँ पे सब संत कबीर है, यहाँ पे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पे सब बीरबल है, सिर्फ अकेले गोसावी साहब बीरबल नहीं है, हम भी बीरबल बन सकते हैं, बराबर है। हाँ, यहाँ पे अकबर कोई अकेला नहीं है, सब अकबर है, बराबर है। तो यहाँ पे आखिर तक चालू रख के, यहाँ पे देखो, इलेक्शन हमारा मायना नहीं है, हम आए कितने चुनके आएंगे मालूम, लेकिन आगे 5 साल में चुनके आने वाले लोग के सर पे बैठ के हम काम करवा के लेंगे, ये हमारा वायदा है। गोसावी सर, आज इन लोगों ने आंदोलन किया तो क्या आपने आश्वासन क्या दिया इनको? इन्होंने जो ये जो समस्या लिखी है ना, वो असल में सही है, बहुत सही है, और ये पब्लिक के, ये पब्लिक के लिए जो ये बेसिक है, ये बड़ा बड़ा कोई काम बोला नहीं सामने, मगर ये पूरी करने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी करेंगे, इतना मैं वादा करता हूँ।